जी आप बात करेंगे रेलवे के हवाले से, जहां बानिहाल बारामूला रेलवे लाइन के हवाले से जो बात की जा रही है, 136 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है उसे मार्च 2022 तक इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इंतजामिया की जानब से इस हवाले से पहले ही इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन जो रेलवे हुकाम है उनकी जानब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से पावर सप्लाई के हवाले से बात की गई है और इस सिलसिले में ये मुद्दा जो है, ये जो मामला उठाया गया है कि बिजली की सप्लाई जो है वो इसके लिए ज़रूरी है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी आगाह किया गया और मरकजी हुकूमत को भी आगाह किया गया। आपको बताते चले जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो पोल नस्ब किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक के दौरान, वो 400 से 420 मीटर की दूरी पर नस्ब किए गए हैं और ये बानिहाल बारामूला रेलवे लाइन जो है इसको इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए पहले ही इंतजाम किए गए हैं। ये काम 2019 में शुरू किया गया है और माना जाता है कि मार्च 2022 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और मार्च 2022 के बाद ही बिजली सप्लाई जो है वो बहाल की भी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में रेलवे इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार को आगाह भी किया गया है। चलिए जी।